12.2, और 12.2 में हम लोगों को पहले उद्देश्य फलन ज्ञात करना होगा, और उद्देश्य फलन ज्ञात करने के बाद से क्या करेंगे, उसको हल करेंगे। किताब दो जी, देखें यहाँ दो किताब है, तुम दे दो, तुम्हें देखो मोबाइल है तो उसमें कोई बात नहीं, चलो देखो दो, ऐ हमें देखो किताब में देखो। प्रश्नावली 2.2 इसमें देखिए इबारती प्रश्न दिया हुआ है, उद्देश्य फलन नहीं दिया हुआ है, ना तो उद्देश्य फलन दिया हुआ है और ना ही अवरोध दिया हुआ है, कुछ भी दिया नहीं है। बस हमको क्या करना है कि इबारती प्रश्न दे दिया है और उससे हमको पहले उद्देश्य ज्ञात करना है, और उद्देश्य फलन ज्ञात करने के बाद फिर क्या करेंगे, अवरोध निकालेंगे और उसके बाद इसको हल करेंगे। तो प्रश्न हमारा है कि रेशमा दो प्रकार के भोज्य पी और क्यू को इस प्रकार मिलाना चाहती है कि मिश्रण में 8 मात्रक विटामिन ए तथा 11 मात्रक विटामिन बी हो। कुछ समझ में आ रहा है, दो प्रकार के भोजन है, दो प्रकार के भोजन है, एक भोजन है पी, दूसरा भोजन है क्यू, ठीक। अब दो प्रकार के भोजनों को इस प्रकार मिलाना चाहती है कि मिश्रण में विटामिन अवयव 8 मात्रक विटामिन ए और 11 मात्रक विटामिन बी हो, समझे। भोज्य पी की जो लागत है वो 60 रुपया प्रति केजी है, और भोज्य क्यू की जो लागत है वो 80 रुपये प्रति केजी है, समझ रहे हैं। माने जो भोजन पी है, दो प्रकार का भोजन है ना, तो दोनों प्रकार के भोजन है पी और क्यू, दोनों को मिला के उसको एगो मिश्रण बनाना है, भोजन पी और क्यू का मिला कर क्या बनाना है, मिश्रण बनाना है। वो मिश्रण ऐसा बनाना है कि उसमें 8 मात्रक विटामिन ए हो और 11 मात्रक विटामिन बी हो, ठीक। आगे कह रहा है कि भोज्य पी की लागत 60 रुपये प्रति केजी और भोज्य क्यू की लागत 80 रुपये प्रति केजी है, ठीक है। फिर लिख रहा है कि भोज्य पी में 3 मात्रक प्रति केजी विटामिन ए, जो भोज्य पी है ना उसका 1 किलो भोजन ले रहे हैं तो उसमें 3 मात्रक क्या मिल रहा है, विटामिन ए मिल रहा है, और 5 मात्रक विटामिन क्या है, बी है। जबकि भोज्य क्यू में 4 मात्रक प्रति केजी विटामिन ए और 2 मात्रक प्रति केजी विटामिन बी है। तो मिश्रण की न्यूनतम लागत ज्ञात कीजिए। तो मिश्रण कब बनेगा, जब हमको ये पता चल जाए कि भोजन पी कौ किलो है और भोजन क्यू कौ किलो है, दोनों का वजन पता होना चाहिए ना। तो हम यह मान लेते हैं ना कि भोजन पी जो है एक्स किलोग्राम, जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण में एक्स किलो भोजन पी और एक्स किलो भोजन क्यू, दोनों कितना कितना किलो रहेगा, एक एक्स किलो और एक वाई किलो, दो मानना है ना, दो मानिए। प्रश्न को थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिए, पहले क्या बनाना है पहले समझिए। भोजन आपका पी है और क्यू है, दोनों भोजन को मिलाकर क्या बनाना है, मिश्रण बनाना है, ठीक। उस मिश्रण में कितना विटामिन रहना चाहिए, 8 मात्रक विटामिन ए होना चाहिए, 11 मात्रक विटामिन बी होना चाहिए, समझे। तो हम मान लेते हैं भोजन को, माना भोजन पी की मात्रा एक्स केजी तथा क्यू की मात्रा वाई केजी है। ध्यान देना, भोजन पी की मात्रा एक्स केजी और क्यू का मात्रा कितना है, वाई केजी है, और दोनों को मिला के क्या बनाना है, मिश्रण। इसका मतलब मिश्रण में तो एक्स प्लस वाई किलो हो जाएगा, मिश्रण में कितना होगा, तो वही हमारा उद्देश्य फलन होगा। तो मिश्रण ही हमारा क्या होगा, उद्देश्य फलन, क्योंकि मिश्रण को ही ना निकालना है जी। तो मिश्रण हमारा क्या हो गया, उद्देश्य फलन। इसको दिखाते हैं, जेड से जेड बराबर हो गया एक्स प्लस वाई, इतना तो क्लियर है, जेड बराबर हो गया एक्स प्लस वाई। अब क्या कह रहा है, ध्यान समझिए।
मिश्रण तो बन गया। अब इसमें जो है इस मिश्रण में 8 मात्रक विटामिन ए और 11 मात्रक क्या रखना है विटामिन बी, 8 मात्रक विटामिन ए और 11 मात्रक विटामिन बी रखना है। ये बताइए पी जो भोजन है इसमें जब 1 किलो लिया जा रहा है, पी में 1 किलो ले रहे हैं तो उसमें कितना विटामिन ए है और कितना विटामिन बी है? देखिए तो 1 kg भोजन पी में, 1 kg भोजन पी में बताइए विटामिन बी कितना, ए कितना है? 3 मात्रक विटामिन ए, 3 मात्रक विटामिन ए ठीक है, आप प्लस 5 मात्रक विटामिन बी। ये तो लिख सकते हैं ना सामान्य तौर पर आप, प्रश्न समझे हो क्या कह रहा है? प्रश्न में ये कह रहा है ना कि 2 प्रकार के भोजन है, एक पी है और एक क्यू है, तो पी में भी विटामिन ए है विटामिन बी है, क्यू में भी विटामिन ए विटामिन बी है, लेकिन वो चाहती क्या है कि दोनों भोजन के को मिला करके वो मिश्रण बनाएं और उस मिश्रण में हम ऐसा मतलब मिश्रण करें कि विटामिन ए 8 मात्रक आ जाए और विटामिन बी कितना मात्रक आ जाए, 11 मात्रक आ जाए, समझ आ रहा है? तो ये मान लें कि माना भोजन पी कितना मिलाया जाए एक्स किलोग्राम और क्यू कितना मिला ले जाए वाई किलोग्राम। ध्यान से देखना पी कितना एक्स किलो क्यू वाई किलो, तो मिश्रण जो बनेगा वो तो जेड बराबर एक्स प्लस वाई बन जाएगा ठीक। अब 1 kg भोजन पी में 3 मात्रक विटामिन ए है और 5 मात्रक विटामिन बी है, अच्छा, और 1 kg भोजन क्यू में, 1 kg भोजन क्यू में बताइए कौन मात्रक विटामिन ए है? 4 मात्रक विटामिन ए है आप प्लस 2 मात्रक क्या है विटामिन बी। अब एक चीज़ बताइए जो उसको कुल विटामिन रखना है वो तो 8 मात्रक रखना है, समझ रहे हैं? कुल विटामिन कितना रखना है? 8 मात्रक, 8 मात्रक से ज़्यादा उसको नहीं रखना है। अब विटामिन ए कितना रखना, विटामिन ए 8 मात्रक है, देखो गलत हो रहा है, विटामिन ए कितना रखना है 8 मात्रक, अब विटामिन बी कितना रखना है 11 मात्रक। अभी बताइए ध्यान सोचिए 1 किलो भोजन में 3 मात्रक विटामिन ए मिल रहा है, 1 किलो भोजन पी में 3 मात्रक विटामिन ए, आ 1 किलो भोजन क्यू में 4 मात्रक विटामिन ए मिल रहा है। ये बताइए भोजन पी का कौ किलो ली है? एक्स किलो, तो उस हिसाब से विटामिन ए में कितना मिल जाएगा? 3x, सिंपल है। अरे भाई भोजन पी 100 किलोग्राम में ली है तो 1 किलोग्राम में हम कहें कि विटामिन ए कितना मिल रहा है, तो एक केजी में 3 मात्रक, एक केजी में 3x हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार देखिए यही अवरोध बनने जा रहा है, अवरोध बनने जा रहा है, देख लीजिएगा अवरोध क्या बन रहा है विटामिन ए के लिए, विटामिन ए के लिए। अभी जो लाइन लिखे ऊपर लाइन समझ में आया कि नहीं आया, पहले इसको बता दो। 2 प्रकार का भोजन है, एक पी है और एक क्यू है, दोनों को मिला के हमको मिश्रण बनाना है, समझ आया? सू तो नहीं, ध्यान से देखो 2 प्रकार का भोजन है, एक भोजन पी है और एक भोजन क्यू है, दोनों को मिला के मिश्रण बनाना है। मिश्रण ऐसा बनाना है कि विटामिन ए 8 मात्रक आ जाए, विटामिन बी 12 मात्रक आ जाए, इतना तो कन्फर्म है। तो हम यह मान ले रहे हैं कि भोजन पी वह एक्स किलोग्राम और क्यू वाई किलोग्राम लेके मिला रही है, ठीक है? तो जो मिश्रण बनेगा वो तो एक्स प्लस वाई किलोग्राम में बनेगा, वो हमारा उद्देश्य हो गया, उद्देश्य फलन उतना भोजन बनेगा। अब किताब में कंडीशन क्या दे रहा है कि 1 kg भोजन पी में 3 मात्रक विटामिन ए है, 5 मात्रक विटामिन बी है, 1 kg भोजन क्यू में 4 मात्रक विटामिन ए है, 2 मात्रक विटामिन बी है, समझे? तो अब बताइए विटामिन ए मिश्रण में कितना रखना है? 8 मात्रक रखना है ना, 8 से कम नहीं रख सकते हैं, कम से कम 8, नहीं तो उससे ज़्यादा कितना हो जाए, कम नहीं रखना है, 8 मात्रक रखना है ना, तो कम की कोई बातें नहीं है, या तो 8 रखेंगे तो 8 से क्या हो सकता है,
ज़्यादा, लेकिन 8 एकदम उसमें रहेगा। अब बताइए, जब एक किलोग्राम भोजन पी लिए हैं तो भोजन पी में एक किलोग्राम में 3 मात्रक विटामिन ए है, तो बताइए जब मिश्रण बना रहे हैं तो एक्स और वाई ना बना रहे हैं, तो एक्स और वाई में कितना विटामिन ए होगा? तो भोजन पी में 3 मात्रक प्रति केजी है, तो विटामिन ए के लिए 3x विटामिन ए भोजन पी से मिल गया, समझे आप, प्लस 4x विटामिन ए भोजन क्यू से मिल गया, समझा रहा है? ये विटामिन ए के लिए निकाल रहा है, ध्यान देना, विटामिन ए के लिए 3x मिल गया भोजन पी से, देखो गलत हो रहा है, 4y मिल गया किससे? भोजन क्यू से, क्यू आपका वाई के जी ना है, तो क्यू वाले में 4 मात्रक प्रति के जी है, तो 3x प्लस 4y कुल विटामिन हो गया। लेकिन ये अधिकतम कितना, न्यूनतम कितना होना चाहिए? न्यूनतम 8, 8 से कम नहीं रहना चाहिए, 8 से ज़्यादा भले हो जाए। तो इसको लिख सकते हैं कि ग्रेटर आर इक्वल 8, ये बन गया अवरोध 1। 3x प्लस 4y दोनों विटामिन ही है, ये कम से कम कितना रहेंगे? 8, नहीं तो इससे ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब लिख रहे हैं विटामिन बी के लिए, विटामिन बी के लिए बताइए जल्दी से, विटामिन बी के लिए आए 5x प्लस 2y, क्योंकि एक्स पी आपका एक्स किलो है, क्यू आपका कितना है वाई किलो, तो विटामिन बी जो आपका भोजन पी में मिलेगा वो 5x ना मिलेगा, तो 5x प्लस 2y ग्रेटर आर इक्वल 11। समीकरण नंबर, क्या x और y 0 हो सकता है? एक्स वाई कभी 0 होगा? 0 से बड़े ना होगा, तो उसको छोड़िए, उद्देश्य फलन मिल गया zx प्लस y। हाँ, एक चीज़ कह रहा है कि इनकी जो लागत है ना, लागत, वो लागत कितना है? भोजन x का जो लागत है, ध्यान देना, भोजन x कह रहे हैं, भोजन p की जो लागत है 60 रुपये प्रति केजी है। तो यहाँ से जो सबसे अच्छा उद्देश्य फलन बनेगा, इसको मिश्रण, मिश्रण बनाइए, कितना मिश्रण हो गया? x प्लस वाई। अब बनाइए उद्देश्य फलन, खर्चों तो जोड़ना है जी, कितना लग रहा है? उद्देश्य फलन ये बताइए, जो भोजन पी है, पी वो कौ किलो लग रहा है? 60 रुपये प्रति किलो, एक्स किलो मिलाया गया है ना, तो इसका खर्चा हो गया 60x, समझ आ रहा है? आप भोजन क्यू कौ रुपये किलो है? 80 रुपया। वाई किलो लगा रहे हैं ना, 80y। तो खर्चा इसमें, लागत अगर निकालना होगा कि हाईएस्ट लागत चाहे लोएस्ट लागत कितना है, तो उद्देश्य फलन यह होगा। अब मिश्रण में भोजन की मात्रा ज्ञात करना होगा, तो उद्देश्य फलन z=x+y होगा। इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है? मिश्रण की न्यूनतम लागत बताइए, इसका न्यूनतम लागत, न्यूनतमीकरण करना है हम लोगों को, क्या करना है? अवरोध मिल गया, उद्देश्य फलन मिल गया, समझ आ रहा है? तो इसको लिखिए, बोलिए उद्देश्य फलन कितना है? उद्देश्य फलन z=, चालू सब नहीं किए थे तुम लोग, सवेरे से ऐसे चल रहा है क्या? उद्देश्य फलन z=60x+80y, उद्देश्य फलन हो गया। अवरोध मिल चुका हम लोगों को, अवरोध कितना मिला है? 3x प्लस 4y ग्रेटर इक्वल 8। उसके बाद 5x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल 11। एक्स ग्रेटर आर इक्वल 0, वाई ग्रेटर आर इक्वल 0, इसको 3 बना लेते हैं, ये तो हमेशा रहेगा। इसका ग्राफ खींचते हैं, वन किया जाए, चलो ठीक है, वन कर लेते हैं। समीकरण एक से, समीकरण चाहे समीका, उसमें ज्यादा 8 से भाग करेंगे, 8 से भाग करेंगे,
तो 3x/8 आए, 3x/8 आ प्लस, हाँ 8y/2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा x/8/3 कर दें, प्लस y/2 > 1, समझे। इसी तरह जब 11 से भाग करेंगे तो 5x/11 ना होगा, लेकिन 5 को नीचे लेकर चल जाएंगे ना, तो समीकरण 2 से देखिए कैसे लिख सकते हैं, x/11/5 समझ में आ रहा है, आप प्लस y/, ये तो बटा में जाएगा 11, लेकिन 2 को नीचे भेजेंगे ना तो 11/ कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। आ ग्रेटर और इक्वल, अब खींच दिया जाए, अब भाई 8/3 कितना होगा बताओ, x/8/3 है ना, तो 8/3 मतलब 2.3 कितना हो सकता है, देखो तो 8/3 = 3×2 = 6, 2 बचेगा, 10 लगेगा, 3×6 = 18, 3×6 = 18 चलता रहेगा, 2.6 माने अढ़ाई से थोड़ा सा अधिक, अढ़ाई से थोड़ा सा क्या है, अब इतना तो कर ही सकते हैं ना, देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है। अब कितना लेना है बताइए, x/8/3 है ना, तो 8/3 मतलब 2.6 माने अढ़ाई मान के चले हैं, यही जमान लें, देखिए 2 है या 3 है, यहीं पर हो सकता है जी, यहीं पर होगा, ठीक है। और बताइए y पर 2 इसका ठीक है, मिला दीजिए इसको, जब बिंदु लिख ही रहे तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम इसी को मान लिए कि ये 2.6 क्या है, 6 है, क्या दिक्कत है, 2.6 इतना जानते हो ना कि 2 और 3 के बीच में होगा, अरे 2.6 2.5 के बीच के पास होगा ना, 2 और 3 के बीच में होगा, तो यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब बिंदु लिखिए दिए हैं तो दूरी कौन ना पड़े, जैसे स्केल रखे कितना हो रहा है, ये कन्फर्म है 2.5 के बगल में होगा, लिख दिए हो गया। अब इसका समीकरण लिख दीजिए, 3x + 4y > 8 ये हो गया, हाँ ऊपर होगा, और नीचे वाले का खींचिए, 11/2 ना है, 11/5 तो 5×2 = 2.2, हाँ लेकिन देखो 2.2 भले है लेकिन 2.6 से तो छोटा ही है, तो थोड़ा सा इसके करीब ले लें आप, और जा चाहे कर सरकार तो नहीं है ना, भेजिए चलिए ठीक बा, 2.2 11.2 मतलब 5×2 = 10, 5.5 हो जी, 5.5 1, 2, 3, 4, 5 5.5 मिला दो, समझा रहा है यार, मिला दीजिए, ये हो गया। अब देखिए पहले इसके एरिया को डिसाइड करें ना, तो ऊपर वाला एरिया लेना हम लोगों को, ऊपर वाला एरिया लेना है ना, दोनों में ऊपर वाला एरिया, तो दोनों में ऊपर ही लेना है, तो बताओ कौन एरिया है जो दोनों के ऊपर ही जाएगा, एक और मार्कर है, कल का मार्कर हो, अनुज ले गया, देखो कौन एरिया है जो दोनों के ऊपर है, यहाँ से भी अगर एरिया देखते हैं ना तो ऊपर ऊपर ही है, समझ रहे हैं, इसका भी एरिया हमको कहाँ लेना है, ग्रेटर देन ही लेना है ना, क्योंकि न्यूनतम तो हम लोग डिसाइड कर ही लिए हैं, तो कौन एरिया है जो दोनों के ऊपर जा रहा है, देखिए यह बिंदु और यह बिंदु, इससे जो घिरा हुआ एरिया ही है, देख रहा है ये वाला एरिया, ये सब ऊपर वाला एरिया है, देख रहे हैं यही वो एरिया है ना, ये वाला जो दोनों लाइन के कहाँ है, ऊपर है, कॉमन है, मतलब कि ये एरिया कितने बिंदुओं से घिर रहा है, 3 बिंदुओं से, एक यह और एक यह, इसका कितना होगा जी, 0 और 5.5 हुआ था, 0 5.5 11/2 लिख देते हैं,
ये नहीं हुआ था। अच्छा शुरू वाला बताइएगा, हई वाला कितना चले थे? 8/3 था ना, तो ये हो गया 8/3 आ 0। अब ही रह गया दोनों कटान बिंदु, तो दोनों समीकरणों को हल कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? कटान बिंदु 5x + 2y ग्रेटर इक्वल 11। इन दोनों को हल कर देंगे तो ही मिल जाएगा, तो 3 हम लोगों को कोणीय बिंदु मिलेगा। तो हल किया जाए, समीकरण 1 तथा 2 से अब थोड़ा सा हल करना सीखिए। छोटा में किसको बराबर करना चाहते हैं? y को बराबर कर दें, सबसे बढ़िया है। y को बराबर कर दें, 4y है ना, इसमें 2 से केवल गुणा कर देंगे तो 2 × 5 = 10x + 4y आए अब बराबर 22। आ घटा दीजिए, 3x + 4y = 8। माइनस 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 कट गया, 7x = 22 में 60 गया तो 14। x = 7 × 14 x का मान 2 आ गया। देखिए ना 2 के ऊपर दिख रहा है थोड़ा बहुत, x का मान कितना आ गया? 2। x का मान रख दीजिए, देखिए 2 रखिए, 3 × 6 आ 6 जाके है ना घट जाएगा, 2 बचेगा ना, तो 4y = 2 होगा। 4y = 2, y = 4 चल जाएगा नीचे, अरे 2/4 होगा, और वाई बराबर कट कितना हो जाएगा? 1/2, तो 2। अब 1/2 कोने बिंदु मिल गया, जब कोने बिंदु मिल गया तो हम क्या करेंगे? सारणी बनाते हैं। उद्देश्य फलन तो निकाल ही दिए हैं, बस इसमें थोड़ा सा मेहनत क्या करना पड़ रहा है उद्देश्य फलन को निकालने में। तो ये आपका निकल गया कोणीय बिंदु, यहाँ पर हो गया उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन कितना है जी? z = 60x + 80y। आए कोणीय बिंदु कितना मिला है? 3 मिला है ना, कौन कौन? 8/3 0 2 1/2 0 11/2 मान रखा जाए। तो पहले रखिए x के बदला में 8/3 और y के बदला में, तो y के बदला में 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और x के बदले में 8/3 रखेंगे ना, देखिएगा z = 60 और गुणे 8/3 ना होगा, तो 3 से कटा देंगे तो 20 बार में कट जाएगा, और 20 / 8 160, अभी तो 0 हो गया ना, 160 रुपये उद्देश्य फलन हमारा रुपये में आएगा। अभी रखिए 2 रखेंगे तो 30 × 60 आ वाई के बदले में कितना? 1/2 1/2 रखेंगे ना तो 40 बार में कट जाएगा 80 60 40, 100 ना हो रहा है, कहाँ जोड़ रहे हो तुम लोग? देखो गलत हो रहा है ना, हाँ ठीक है, एक्स बदले में 2 रख रहे हैं ना, हाई रख रहे हैं, एक्स बदले में 2 तो 60 × 120 हो गया 40, 120 से 40 100, देख रहे हैं दोनों बराबर आ गया। और रखिए एक्स के बदले में 0, तो ये पहला वाला तो पूरा क्या हो गया? 0 आ प्लस 80y है ना, तो मतलब कि 80 आ गुणे 11/2, तो 2 से कट जाएगा 40 बार में, आ 11 × 44 440। अब बताइए भोजन का न्यूनतम लागत कौन है? 160 रुपये है, अधिकतम लागत, मतलब कि हम 440 रुपये का भोजन में भी 8 मात्रक विटामिन ए और 11 मात्रक विटामिन बी प्राप्त कर सकते हैं, और 160 रुपये के भोजन में भी 8 मात्रक विटामिन ए और 11 मात्रक विटामिन बी प्राप्त कर सकते हैं, तो फ़ायदा किस में है? 160 रुपये में लागत लगाइए और 320 रुपये में बेच दीजिए, दोनों दिया है, तो लिखेंगे न्यूनतम लागत, न्यूनतम लागत बराबर कितना? 160, ठीक है, क्या दिक्कत है? लागत से ना मतलब है, आ किस बिंदु पर आ रहा है? तो इसका मतलब समझ रहे हैं, अब समझिए इसका मतलब, 8/3 x का मान है 0, y का मान है,
माने 8/3 किलोग्राम भोजन पी मिलाना पड़ेगा आ 0 किलोग्राम भोजन क्यू, तो मिश्रण बनवे कहाँ करेगा, नहीं ना बनेगा। मतलब भाई 160 सही है ना। नहीं ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, वही सही है। 2 किलो भोजन पी, आधा किलो भोजन क्यू, दोनों का मिलाकर मिश्रण बनाना है। आई कह रहे एक दूसरे का क्या है, 0 है। भले 60 आ रहा है, 160 आ रहा अलग बात है, लेकिन सही उत्तर कौन होगा, 2 1/2 पर। तो बिंदु कौन दिया है जी, 2 1/2 दिया है ना, आयो दे रहा है तो झूठे दे रहा है, मिश्रण बंद में नहीं करेगा। 0 किलोग्राम भोजन वाई, भोजन भोजन क्यू 0 किलोग्राम, मतलब वो मिला ही नहीं रहा है, केवल भोजन एक भोजन पी में से ही काम चल गया आपका। ठीक है, देखिए इसी प्रकार इसमें सभी प्रश्न हैं। कितना हुआ है, 40 मिनट एक क्वेश्चन में, 40 मिनट मैंने